दोस्तों, मेरा नाम है प्रियंका और मैं करती हूँ आप सबका मेरे चैनल में स्वागत। तो आज है छुट्टी, तो हम सोचे कि युवक पार्क लेके चलते हैं आज। तो इधर बेलव्यू डाउनटाउन में एक बढ़िया पार्क है, तो हम सोचे युवक को उधर लेके चलते हैं। युवा भी खेलेगी और हम भी थोड़ा वॉक कर लेंगे, बस यही है। तो मैं सोची आपको भी दिखा देती हूँ कैसे पार्क होते हैं यहाँ पे। और बहुत ही सुंदर पार्क है और बड़ा भी है काफी, सारी एज के बच्चों के लिए। छोटे से छोटा बच्चा, 6 महीने के बच्चे को भी आप वहाँ पे एंटरटेन कर सकते हो जाके, और 11-12 साल तक के बच्चे खेलते हैं आराम से। इवा, you want to say hi? तो चलो फिर मिलती हूँ मैं आपको पार्क में पहुँच के। फाइनली इधर पार्किंग मिल गई और पार्क कर दिया, अब जाएंगे पार्क में। तो मौसम के हाल तो ये हैं कि बारिश नहीं हुई है 3 दिन से, तो अच्छा ही है मौसम। बाकी धूप थोड़ी थोड़ी निकल रही है आज, ज़्यादा तो नहीं है, थोड़ी थोड़ी है। तो चलो आ गए हैं पार्क में, चलते हैं अंदर। ये वाली डक तो बहुत ही मजे ले रही है, ये वाली डक है ये, मस्त सबको परेशान कर रही है इधर उधर जा जाके। इसको बहुत मजा आ रहा है। चलो आगे चलते हैं, आगे चल के देखते हैं। इधर ये भैया गाने गा रहे हैं। जा रहे हैं और गाना भी गा रहे हैं। अब किधर से चले, इधर से चलते हैं पहले। हाँ इधर ऊपर का ही, ऊपर का एरिया था, पूरा ऊपर का एरिया। अभी इधर नीचे वाटरफॉल है और पार्क भी इधर नीचे है, नीचे जाएंगे तो। और ये पूरा डाउनटाउन है, ये जो बिल्डिंग्स दिख रही हैं आपको, ये डाउनटाउन है, बेलव्यू का डाउनटाउन है ये। तो ये इन्होंने पूरा बंद कर दिया है अभी। यहाँ पे क्या होता था पहले, यहाँ से पानी गिरता था, फॉल था ये, बहुत ही सुंदर लगता था। और इधर पूरे में इसमें पानी होता था, ये अभी इसकी सफाई कर रहे हैं। और आराम से यहाँ पे हम है ना, गर्मियों में आए थे समर में, तो आराम से इधर बैठो बेंचेस पे, इधर ये बेंचेस लगी हुई है, इन पे बैठो, व्यू देखो। और डक्स होती थी पहले इधर भी, इधर पूरे में डक्स रहती थी, पानी पानी रहता था उसमें, लेकिन अब इन्होंने सफाई कर रहे हैं ये इसका, शायद गर्मियों में ही खोलेंगे इसको। और ये इधर पार्क है बच्चों का, ये वाला भी दिखाती हूँ अभी। थोड़ी थोड़ी हवा भी है, ठंडा ठंडा हो रहा है थोड़ा, 9 डिग्री टेम्परेचर है बाहर का। ये देखो हवा, ये इधर इन पे चेस बोर्ड भी बना हुआ है, चेस खेलना हो किसी को तो। और एक और चीज मुझे इस पार्क की ये अच्छी लगी, इसमें एक स्विंग है देखो। जनरली ये वाला स्विंग होता है ना, प्ली बच्चे का ही होता है, बट इसमें मम्मी का भी है साथ में, मम्मी या डैडी, एनीवन कैन से। तो ये बहुत सही है। इधर इवा इधर ही खेल रही होगी कहीं, ये रीस के अंदर रहे। बहुत ही अच्छा पार्क है ये। और बगल में ही क्या है, मॉल है, तो शॉपिंग करके आओ और इधर ही बच्चे को भी ले आओ, इधर बच्चा भी खुश आप भी खुश।
आसमान देखो कितना अच्छा दिख रहा है, इसमें बहुत मजे कर रहे हैं बच्चे। यही चाहिए बच्चों को, बस गिरते पड़ते रहो। ये इधर बड़े बच्चों के लिए रॉक क्लाइम करो, बच्चे क्लाइम कर रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया था ना, देखो बड़े बच्चे भी खेल रहे हैं, और जब छोटे छोटे बच्चे हैं उधर उनके लिए स्विंग है, बिल्कुल छोटे छोटे हैं वो भी खेल रहे हैं। डाउनटाउन का पार्क, बहुत बड़ा पार्क है, और प्लेग्राउंड है, जो प्ले एरिया है वही बहुत बड़ा है, और उसके साथ साथ में इधर वाटरफॉल भी है जो उन्होंने अभी बंद कर रखा है, लेकिन समर टाइम में आओगे आप, गर्मी में आओगे तो वो भी चलता है, तो बहुत अच्छा लगता है। नीचे डक होती हैं, वो तैरती रहती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और उधर बेंचेस भी लगी हुई हैं, उधर आप बैठ जाओ, और गार्डन भी है, तो खाना वाना भी लेके आते हैं लोग बाग, स्नैक्स वगैरह। तो फ्रेंड्स फैमिली के साथ आओ, कोई गेम वेम खेलो बढ़िया, और बच्चे भी इधर खेल लेते हैं तो अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है इधर। हाँ, तो आइसक्रीम ले लिया था हमने इधर से ही, तो ठंड तो है लेकिन जैसे लोहा लोहे को काटते हैं ना, वैसे ठंड ठंड को काटती है, तो आइसक्रीम खा लेनी चाहिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, और अब मैं मिलूंगी आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।